यादों के सफर में इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम एक और कलाकार को याद करने जा रहे हैं। उस कलाकार का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, पर उनकी कलाकारी की बात करें तो उन्होंने 50 और 60 के दशक में चरित्र किरदार निभाए थे। उस कलाकार का नाम है जगदीश सेठी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने ज्यादातर पिताजी वाले किरदार निभाए, पर शुरू शुरू में उन्होंने बतौर लीड एक्टर काम किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। 15 जनवरी 1903 को जन्मे जगदीश सेठी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में भी काम कर चुके हैं। पंजाब के पिंड दंडन खान में उनके माता पिता रहते थे, वहाँ उनकी अच्छी खासी जायदाद थी। जगदीश सेठी को सुदर्शन सेठी नामक छोटे भाई भी थे। उन्हें आपने 1982 की फिल्म गांधी में मोतीलाल नेहरू के किरदार में देखा होगा। इसके अलावा देव आनंद की गैम्बलर और ज्वेल थीव जैसे सुपरहिट फिल्मों में खलनायक के किरदार में भी सुदर्शन सेठी दिख चुके हैं। जगदीश सेठी अपने दौर के पढ़े लिखे कलाकार थे। 1920 में मैट्रिक पास करने के बाद लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन भी किया था। 1920 के ज़माने में फिल्म जगत पर ईसाई और ज्यू लोगों का राज हुआ करता था। ऐसे में भारतीय लोग अपने घर वालों को इस इंडस्ट्री में आने नहीं देते थे। जगदीश सेठी के साथ भी वही मामला था। उनके पिताजी फिल्म जगत से नफरत करते थे। उनका मानना था कि पढ़ लिखने के बाद जगदीश दूसरी जगह जाकर अच्छी नौकरी कर सकते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर जगदीश सेठी ने घर से निकलने की ठान ली। शुरू शुरू में पंजाब फिल्म कंपनी के अंतर्गत उन्होंने असिस्टेंट कैमरामैन का काम किया, पर उन्हें वहां सीखने जैसा माहौल दिखा नहीं, इसीलिए उन्होंने कोलकाता जाने का फैसला लिया। उस दौर में फिल्म जगत का केंद्र बिंदु कोलकाता हुआ करता था। कोलकाता का न्यू थिएटर कंपनी अपने ज़माने की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म कंपनी थी। वहां जाकर जगदीश सेठी ने एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन का काम सीख लिया। उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग करना भी सीख लिया। न्यू थिएटर के बाद वे मुंबई आ गए और अपने जीवन की पहली फिल्म आरम आरा में काम किया। इसमें उनका किरदार कौन सा था ये बता पाना मुश्किल है। 30 और 40 के दशक में 60 से भी अधिक फिल्मों में काम करने के बाद वे डायरेक्शन में उतर गए। बतौर डायरेक्टर उनकी 3 फिल्में हिट रही, 1947 की दो दिल, 1952 की जग्गू और उसी साल दूसरी फिल्म इंसान रिलीज हुई थी। बी ग्रेड फिल्में होते हुए भी सिनेमा घरों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। जगदीश सेठी की सफलता को देखते हुए उनके दूसरे भाई सुदर्शन भी मुंबई आ गए। जगदीश सेठी की सफलता का अंदाज लगाना हो तो आप 70 और 80 के दशक के कैरेक्टर एक्टर्स को देख सकते हो। दुर्भाग्यवश यही है कि जगदीश सेठी की फिल्में क्लासिक एरा के पहले रिलीज हुई थी और 60 के दशक में उन्होंने ज्यादातर बूढ़े व्यक्ति के किरदार निभाए। अभिनय और लेखन कार्य के अलावा उन्हें टेनिस और रेसिंग का भी शौक था। उनके द्वारा लिखी गई किताब हिचकियां सिनेमा युग पर आधारित है। इस प्रतिभावान कलाकार का देहांत 12 जून 1969 को मुंबई में हुआ। उनका एकमात्र बेटा ओमेश इंडियन नेवी में था। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।